बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबीहा और आज एक नई कुर्ती का डिज़ाइन लेके आई हूँ पॉकेट्स के साथ। ये मैंने कपड़ा जो है इसको कट लंबाई और चौड़ाई में कट करके रखा हुआ है। इसकी दोनों साइड पे बॉर्डर थे, दूसरी साइड से बॉर्डर निकाल के मैंने रख लिया है जो हम इसके नीचे हम अटैच करेंगे। ये एक ए लाइन कुर्ती होगी जिसके साइड पर हम पॉकेट्स बनाएंगे। और ए लाइन कुर्ती सबको कट करनी आती है। इसकी ए लाइन कुर्ती को मैं कट कर लूँगी। मैं आपको मेन जो है वो पॉकेट्स लगाना बताऊँगी। इसमें इसकी विड्थ जो है मेरे पास वो 16.5 है फोल्ड करने के बाद, यानी कि इसको खोलें तो इसकी जो विड्थ होगी 33 इंच होगी। और इसकी लेंथ जो है मेरे पास वो 33 के करीब है। मैंने 39 इंच इसकी लेंथ तैयार कर ली है। इसमें मैं लेस और ये बॉर्डर अटैच करके इसकी लेंथ को 39 इंच करूँगी। तो सबसे पहले हमने जो है इसकी ए लाइन कटिंग करनी है। तो इसकी ए लाइन पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसके तीरे पे 7.5 पे और इसका जो कंधा था 8.5 पे निशान लगा के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और इसका जो चेस्ट था वो मैंने 20 इंच और जो फिटिंग का सह है वो 15 के करीब रख के निशान लगा के इस पर ए लाइन इस तरह कटिंग कर लेंगे। बहुत दफ़ा मैंने ए लाइन कटिंग करना सिखाया हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताना ना सही नहीं समझा कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस इसकी ए लाइन कटिंग करेंगे, इसके बाद हम पॉकेट्स किस तरह लगाएंगे ये मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हमने इसके जो फिटिंग के निशान हैं इस पर वो लगाने हैं। यहाँ पे भी ये कट लगा दिया और यहाँ पे ये फिटिंग का 14.5 पे मैंने ये फिटिंग का कट लगाया है। मैंने दरमियान में निशान लगा दिया है इसका फिटिंग का। और इससे 1 इंच नीचे हमने इधर पॉकेट लगानी है। हम 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा रहे थे। यहाँ से हमने इसकी पॉकेट लगानी है। पॉकेट किस तरह लगानी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम पॉकेट को पहले प्रेस बुकरम पे कटिंग करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे। प्रेस बुकरम ले लें इस तरह डबल करके। मैंने ये सिंगल लिया है, मैं दूसरा पीस बाद में ले लूंगी। तो इस तरह आपने डबल फोल्ड करके ही लेना है। इस पर हमने 7 इंच पे निशान लगा लेना है पहले लेंथ में। और इसी निशान से हमने विड्थ में इस तरह 4 इंच पे एक निशान लेना है। इस तरह करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस कॉर्नर से हमने इसके साथ इसको मिला देना है इस तरह। अब एक एक जो है इंच का बाहर को निशान लगाना है इस तरह। इसी को स्केल के साथ ही रख के हम लगा देंगे निशान। इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह के प्रेस के दो पीस हम काटने के बाद इसको हमने जो ये निशान लगाया हुआ था ये फ्रंट साइड पे निशान लगाना है कमीज़ के अगले हिस्से पे। इस पर इस तरह एडजस्ट करने के बाद और कमीज़ के सीधे हिस्से पे रख के हम पेस्ट कर लेंगे। इसको इस तरह अच्छी तरह बिल्कुल किनारे पे नॉक को मिलाकर इस तरह रखने के बाद ये हम इसको अच्छी तरह पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये कमीज़ का अगला हिस्सा है हमारे पास। इसको अच्छी तरह हमने सीधी साइड पर इसको पेस्ट करना है, उल्टी साइड पर पेस्ट नहीं करना। इस तरह इसको स्त्री के साथ अच्छी तरह बैठा के प्रेस बुकरम दोनों साइड पे पेस्ट कर लेंगे। अब इसको हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैं इसको यहाँ से कट करूँगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने बॉर्डर अटैच करना है। इस तरह इसी तरह मैं इस तरफ भी ये अटैच कर दूंगी। अब देखें, ये हमारे पास शलवार की कटिंग है, शलवार का पीस है। और ये जो हमने दरमियान में से जब प्रेस बुकरम कट किया था उसके दरमियान में से जो पीस निकला था ये वो है। अब इसको सिर्फ इसके मेजरमेंट लेने के लिए मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं रख रही हूँ इसके साथ 1/2 इंच। मैं इसको यहाँ से भी बढ़ा के रखूँगी सिलाई का मार्जिन का। और यहाँ से मैं इसको
एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह। अब इस निशान से दूसरी तरफ जो है हमने दो दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। दो दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके इसके साथ हम एक निशान एक और लगा लेंगे इसी शेप में। इसी तरह इसका कॉर्नर बना देंगे इस तरह। और यहाँ से जो हमने इसकी पॉकेट बनानी है नीचे से हम 10 इंच की लेंगे, जिसकी विड्थ मेरे पास होगी 5.5 इंच, जिसकी नीचे से इसकी विड्थ जो होगी हमारे पास वो 6 इंच होगी इस तरह। इसको हम इस तरह स्ट्रेट कर देंगे तरह के। भी हमने दो पीस कट करने हैं, जो एक पॉकेट के लिए, एक दूसरी पॉकेट के लिए। यहाँ पे आपने अगर पॉकेट की विड्थ पॉकेट की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। 10 इंच की बजाय आप इसको 11-12 इंच भी रख सकते हैं। ये 1/2 इंच से ऊपर की सिलाई का मार्जिन है इसका। अब इसी तरह हम एक और पीस कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास पॉकेट है, ये नीचे से जो हमने स्ट्रेट हिस्सा लिया था 10 इंच का, पहले हम इसको पॉकेट बना लेंगे इसकी। ये इस तरह करके हमारे पास नीचे आएगा, स्ट्रेट साइड जो है वो बाहर वाली साइड पे आएगी और तिरछी साइड जो है जो हमारे प्रेस बुकरम के साथ अटैच होगी। 5 इंच का हिस्सा है जिसको हमने इस तरह फोल्ड किया हुआ है। और 1/2 इंच छोड़ के हमने सिलाई लगानी है ऊपर से, जो 1/2 इंच सारा सिलाई का मार्जिन है। बस ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और ये सिलाइयाँ जो है वो अंदर वाली साइड पे चली जाएंगी। जब इसको सीधा करेंगे ये हमारे पास एक पॉकेट तैयार हो जाएगी। अब ये जो हमने प्रेस बुकरम लगाया है इसके ऊपर हमने बॉर्डर अटैच करना है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो सिंपल जिस तरह हम गले के ऊपर प्रेस बुकरम लगाकर पलट कर गला बनाते हैं, सेम उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने प्रेस बुकरम को, मैंने जो बॉर्डर है उसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया है, 1/2 इंच अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके उसको प्रेस कर लिए, जो हमारा सिलाई का मार्जिन है 1/2 इंच। एक साइड से हम इस तरह ये खोलेंगे, 1/2 इंच हमने ऊपर वाले साइड पे भी कपड़ा छोड़ा हुआ था कमीज के साथ, इसके ऊपर रख के इसको बॉर्डर को अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सिलाई का मार्जिन है जो 1/2 इंच, उसके ऊपर हमने इस तरह रख के इसको सिलाई लगा देनी है। इसमें प्रेस बुकरम के साथ हमने ये कट भी लगा दिया था कॉर्नर पे इस जगह पे, ताकि हमें यहाँ से कपड़ा फोल्ड करने में आसानी हो। इतनी सिलाई लगाने के बाद इसको पहले हम ऊपर वाली साइड पे इसको एडजस्ट करेंगे बॉर्डर को, इसका कॉर्नर बनाएंगे और बाकी की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये देखें इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेना है। बॉर्डर मैंने उतना ही रखा है जितना हमारा प्रेस बुकरम है, या तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर है और 1 इंच का ही हमने प्रेस बुकरम कट किया था। अब यहाँ पर इसको कॉर्नर बनाने के बाद जितना हमारा अंदर वाली साइड पे कपड़ा आएगा इस तरह हम इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे, और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा कॉर्नर में उसको हम सिलाई के साथ अंदर वाली साइड पे कर लेंगे। ये देखिए इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच के करीब कपड़ा था,
इस तरह इसको मैंने पकड़ के ये लाइन में एक सिलाई लगा दूंगी। कॉर्नर बनाने का तरीका मैं तफसीलन बाद में भी बता किसी अलग वीडियो में भी बता दूंगी। ये देखिए ये तकरीबन दो दो इंच हमारे पास कपड़ा है, 2 इंच कपड़ा हमें अंदर वाली साइड पे करना है। इस तरह से हम ए लाइन में एक कॉर्नर बना देंगे, तिरछी सिलाई लगा देनी है इस पर। इसके बाद जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद हमारे पास ये कॉर्नर तैयार हो जाएगा, ये इस तरह। ये देखें हमारे पास बॉर्डर इस तरह दूसरी साइड पे मुड़ गया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो अंदर वाली साइड पे हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब हम इसके साथ साथ रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बॉर्डर के साथ ही हम अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। नीचे वाले हिस्से से हम इस तरह इसको जो फालतू कपड़ा हाफ इंच का रखा हुआ था उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे प्रेस मुकरम के ऊपर। साथ ही हम बॉर्डर अटैच करेंगे और बॉर्डर के नीचे रख के इस पर सिलाई लगा देंगे। आप फुल पॉकेट भी इसी तरह इसी सिलाई से लगा सकते हैं, मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया है आपको। इस तरह करने के बाद हमें ये सिलाई को पूरी कर लेंगे। ये सिलाई पूरी करने के बाद हमने ये जो फालतू का बॉर्डर है ये कट कर देंगे। अब हमें इस पॉकेट के इसको पॉकेट के साथ अटैच करना है और बॉर्डर की दूसरी सिलाई हमें उसी में लगानी है। ये जो मैंने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था इसको इस बॉर्डर के इस साइड पर रख के हमें अटैच करना है। शर्ट की उल्टी साइड पर हम एक निशान लगा लेंगे जहाँ जहाँ तक हमारे पास बॉर्डर है। ये हमने एक निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद हमें ये जो पॉकेट सिलाई की हुई है इसको इसके ऊपर रख के इसी लाइन के ऊपर रख के हमने पिंस लगा देनी है। ये देखिए इसको इस तरह खोलेंगे, पॉकेट को नीचे वाली साइड पे कर देंगे और जो हाफ इंच का कपड़ा है उसको उसके बराबर रख के लाइन के ऊपर हम पिंस लगा देते हैं। आप यहाँ से भी इसको आप सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसको बॉर्डर के ऊपर से सिलाई लगाई थी ताकि हमारी जो सिलाई है वो बॉर्डर के किनारे पर आए। बिल्कुल अच्छी तरह सेट करने के बाद हमने इसको अब दूसरी साइड पे रखना है। हमने पॉकेट को नीचे से वाली साइड पे ही रखना है। सिलाई हमारी जो है वो हाफ इंच का जो मार्जिन है सिर्फ उसके ऊपर आनी चाहिए। अब बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए पॉकेट हमारी नीचे वाली साइड पे है, पॉकेट के दोनों हिस्से नीचे वाली साइड पे हैं। बस साथ हम पिंस भी निकाल लेंगे अगर पिंस सिलाई में आएंगे। बस ये सिलाई हम इधर तक ही लगाएंगे। पॉकेट देखें हमारी अटैच होगी और ये सिलाई जो है सिर्फ पॉकेट के नीचे वाले हिस्से पे आई है। और पॉकेट को सीधा करेंगे तो हमारी ये इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह एडजस्ट करके रखना है और बाकी का जो पॉकेट का हिस्सा है उसको भी पिंस के साथ अटैच करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह बिछा लेंगे हम। बिछाने के साथ हम जो बॉर्डर का दूसरा वाली साइड है जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ पे हम पिंस के साथ इस तरह इसको फिक्स कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे पलटेंगे और हाफ हाफ इंच का कपड़ा जो है पॉकेट का अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे ताकि धागे ना निकले
इसको इस तरह अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद हाफ हाफ इंच कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाना बहुत आसान होगा और आपके इजीली आप पॉकेट को फोल्ड साथ फिक्स कर देंगे। बॉर्डर के दूसरे हिस्से पे हमने इसी तरह पिंस के साथ पॉकेट को अटैच करके सिलाई लगा देनी है। साथ जो यहाँ पे कॉर्नर पे आके हमने ये पहले पिंस जो लगाई हुई है वो साथ साथ निकालते रहेंगे। कॉर्नर्स पे आके हमें अब दो चार टांके इस साइड पे लेने हैं और इसको पक्का कर देना है। फुल को नहीं सीएंगे क्योंकि फुल अगर हम इधर को सिलाई लगा देंगे तो पॉकेट हमारी जो है वो बंद हो जाएगी। देखिए पॉकेट हमारी बिल्कुल तैयार है लग के। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है और ये देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरह के अटैच होने के बाद नज़र आएगी। अपने इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। अब इसकी हम जितनी भी हमने फिटिंग रखनी है इस पर हमने निशान लगाए हुए थे वहाँ पे रख के हमें इसको साइड की सिलाई लगा देनी है। लेकिन साइड की सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारी पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा है वो उसको हम एक साइड पे कर देंगे। अगर आप साइड पे ना भी निकालें अगर वो इसमें सिलाई में भी आ रहा हो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ध्यान है कि वो फोल्ड ना हुई भी हो सीधी बिल्कुल इस तरह रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने स्लिट्स भी रखनी है शर्ट में इसलिए हम उतनी ही सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने स्लिट का निशान लगाया हुआ है। इसकी स्लिट्स जो है वो मेरे पास तकरीबन 12 इंच के करीब मैंने रखी थी। ये देखिए ये 12-12 इंच मैंने स्लिट्स खुली रखी है। इसकी स्लिट्स थोड़ी सी छोटी रखी जाएंगी क्योंकि अगर हम स्लिट्स बड़ी रखेंगे तो इसकी पॉकेट्स बाहर से नज़र आएंगी। ये स्लीव्स मैंने तैयार किए हुए हैं। इसकी स्लीव्स को लगा कर और स्लीट्स वगैरह तैयार करके मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये पॉकेट तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी और शर्ट हमारी बन के बहुत ही प्यारी लगी थी। इस तरह हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार है। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही रेड आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और बेल के आइकन को दबाकर आल के ऑप्शन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।